शाहजहाँपुर जिले के शुजालपुर तहसील अंतर्गत ग्राम कपड़िया में शासकीय प्राथमिक और शासकीय माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में गांव के ही दबंगों द्वारा मकान बना लिए गए। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विधानसभा क्षेत्र के ही ये हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि जहां पर दबंगों ने मकान बनाए हैं वहां पर कंक्रीट था तथा कंक्रीट के ऊपर मकान बना लिए। बाकी बच्चे मैदान पर उनके ही द्वारा पशुओं को बांधने के लिए अतिक्रमण करने का कार्य किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा स्कूल भवन के पास में ही गंदगी का अंबार लगाया जाता है, जिसमें जहरीले जीव जंतु आते हैं और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत सरपंच जगन्नाथ सिंह मेवाड़ा से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने हमें स्कूल प्रांगण में अतिक्रमण के संबंध में आवेदन दिया था, जिसको हमने मारकर तहसीलदार महोदय को दिया। सरपंच ने कहा कि तहसीलदार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे संवाददाता ने तहसीलदार नागेश पवार से बात की तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का काम है अतिक्रमण हटाना। सोचने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत सरपंच तहसीलदार का बहाना बना रहे हैं और तहसीलदार ग्राम पंचायत का बहाना बना रहे हैं। अब देखना है ग्राम पंचायत चापड़िया में स्कूली बच्चों की परेशानियों को कौन समझता है, क्योंकि यह शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विधानसभा क्षेत्र का ही मामला है। स्कूल प्रांगण में ग्राम चापड़िया में गंदगी हो रही है, जो ग्रामीणों द्वारा गंदगी की जा रही है और स्कूल बाउंड्री के अंदर कॉन्क्रीट के ऊपर कुछ ग्रामीणों के द्वारा मकान बनाए गए हैं। आपको भी उन्होंने आवेदन दिया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कारण? मेरे पास आवेदन आया था ग्रामीण जनता का, मैंने श्रीमान जी अपना मार्ग करके तहसीलदार साहब को अवगत करा दिया कि इनका अतिक्रमण हटा के वो कार्य रोका जाए। तहसीलदार साहब ने अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, क्या कहना है तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब के पास एक दो बार मैंने याद भी कराया था, उन्होंने की वो फाइल नहीं मिल रही हमें। मंत्री जी ने बोला था मेरे से कि ये गंदगी वगैरह हट जानी चाहिए, घोड़ा में लिखना तो नहीं चाहिए। अभी फिर वो आए थे भूमि पूजन रोड के करने, उस दिन भी उन्होंने बोला था कि स्कूल की क्या हालत कर रखी। तो मैंने श्रीमान जी तहसीलदार साहब इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, और वो तहसीलदार साहब का काम है अतिक्रमण हटाना। अपने मैंने सूचना पत्र भी निकाल दिया था, मेरी तरफ से पंचायत की ओर से सूचना पत्र जारी कर दिया, कुछ लोगों ने लेने से मना कर दिया। सूचना पत्र जारी करा, कुछ लोगों ने लेने से ही मना कर दिया। मतलब इसमें तहसीलदारी जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? चौकीदार खुद रहा है मेरे पास। स्कूल बाउंड्री में अंदर रात के समय कुछ लोग शराब पीते हैं और क्वार्टर वगैरह वहीं पे फेंक जाते हैं। अब तो ये तो कुछ लोग कहीं असामान्य तत्व के आते हैं, टाइम बे टाइम वो वहाँ क्वार्टर पी लेते हैं, उसमें गेट फाटक कुछ है नहीं, वो वहीं क्वार्टर फेंकते हैं, वहीं बीड़ी सिगरेट पीते हैं। बार बार मार साहब हमने दो चार बार कि हमने खुद ने क्वार्टर बीन के फेंके, चौकीदार के द्वारा सूचना भी करवा दी कि साहब यहाँ स्कूल प्रांगण में कोई आप नशा पत्ता सार्वजनिक कोर्ट पर मत क्या करो। अगर प्रशासन अतिक्रमण हटा देता है तो आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? तो अतिक्रमण सर हटा देगा तो हमें स्कूल की बाउंड्री वाल वगैरह करके साफ स्वच्छता फल पेड़ लगा के स्वच्छता कर देंगे हम। लेटरिन बाथरूम अभी आंगनवाड़ी भवन भी स्वीकृत है, आंगनवाड़ी भवन बनाना उसी जगह भवन स्वीकृत है, नवीन भवन स्वीकृत है, अभी आंगनवाड़ी है नहीं, आंगनवाड़ी भी स्कूल में लग रही है अभी। गंदगी इतनी फैली हुई है वहाँ चारों तरफ से कि वो बच्चे बच्चे को बैठना भी हराम है, पढ़ना लिखना तो एक दूर की बात है, जान के ऊपर ही खतरा है, पानी पीने का नहीं है, लेटरिन बाथरूम है नहीं, मिडिल स्कूल है, बच्चे को लेटरिन आ जाए बाथरूम आ जाए तो कहाँ जाएगा? जो मार साहब है हमारा है वो विकलांग है दोनों हाथ पैर से, उसको बाथरूम करने भी जगह नहीं हुआ स्कूल में। कम से कम शासन मेरे शासन ने मैंने मांग कल में विधायक साहब से कह दी वो राशि दे दें, मैं कल ही काम कर दूंगा। जी वहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं हैं तो उससे क्या सर, वो जो स्कूल है स्कूल में उससे सांप दीवर गोयरे मेन के अन्य जीव जंतु जो जहरीले जानवर रहते वो भी निकलते हैं, बच्चे बच्चे को उससे बहुत खतरा है। मैंने सर को भी एक दो बार बताया, कुछ लोग उनने उसको बिजली का तार टांग रखे उससे उसमें करंट फैलने का प्रबल शंका है, उसमें भी कोई ध्यान नहीं देता। एम पी बी वाले को बोल दिया, मार साहब ने बोल दिया, मार साहब ने सूचना दे दी जिन लोगों। अभी आप शासन से क्या मांग करते हैं? शासन वो अतिक्रमण हटा दे, मैं बाउंड्री वाल बना दूंगा, जो शासन आदेश देगा उसका पालन करें। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।